हेलो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा माइंड यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कॉमन सेंस डबल मीनिंग की एक और नई वीडियो आप सभी के सामने उपलब्ध है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके सामने 3 सवाल होंगे और प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आपका पहला सवाल। हरियाणा की कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी है? हरियाणा में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी है? ये जो क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि डबल मीनिंग का। तो यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और डबल मीनिंग के भी। तो अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो। अगर आपके मालूम नहीं है तो फिर हम बताएंगे आपको। तो जल्दी करें, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में इसका जवाब देना होगा। अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मेरे कहने वाला है वीडियो को यहीं पर रोक लें, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें और लिखने के बाद फिर से वीडियो को चालू करें, अपने आंसर से हमारे सही आंसर का मिलान कर लें। तो चलिए, यहाँ पर मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। यहाँ पर इसका सही जवाब है 3। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी 3 है। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत में किस दिन पुलिस थाने में FIR नहीं होती है? ये जो क्वेश्चन है ये भी एक तरह का जनरल नॉलेज क्वेश्चन है कि भारत के अंदर पुलिस थाने में FRI कौन से दिन नहीं लिखी जाती है, वो कौन सा दिन है आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यहाँ पर मालूम नहीं है तो अभी हम आपको 5 सेकंड बाद बताने वाले हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप भी खुद बताएं हमें क्वेश्चन के आंसर, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपके माइंड में कौन सा आंसर इसका चल रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के और अधिक क्वेश्चन देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी के आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाली भविष्य में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। सभी वीडियो को देखकर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर पाए। यहाँ पर इसका सही जवाब है होली और दुल्हेंडी के दिन, ठीक है ना, FRI नहीं लिखी जाती थाने में। हालांकि अगर लड़ाई कहीं पर हो जाती है तो छूट छुटा तो जरूर करा देते हैं वे लोग, लेकिन FRI नहीं लिखी जाती। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल हो जाती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो जवानी होकर उस पर तो वो हरी रहती है और बुढ़ापा आने पर वो चीज़ लाल हो जाती है? तो ये जो क्वेश्चन है डबल मीनिंग का है। यहाँ पर पॉजिटिव ही सोचे तो ही अच्छा होगा। अगर क्वेश्चन से आप आगे निकल चुके हैं तो आप वीडियो को फिर से देखें या फिर वीडियो को हल्का सा बैक ले लें और नीचे समझने के बाद कमेंट बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पर जाकर हमें टाइप करके ज़रूर बताएं। देखते हैं यहाँ पर आप कितनी नॉलेज को आप अपनी इंक्रीज कर पाए हैं। जल्दी करें, यहाँ पर आपको थोड़ा ही समय मिलेगा। अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। आप लोगों ने अभी एक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, शेयर करें। यहाँ पर इसका सही जवाब है हरी मिर्च। जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल होती है। जो मिर्च होती है आपने देखी होगी, वो जवानी में तो हरी होती है और जब उस पर बुढ़ापा आने लगता है तो वो लाल हो जाती है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था ये डबल मीनिंग का क्वेश्चन है, आप किसी अपने रिलेशन वालों से साथ इसके साथ इंटरटेनमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रोजाना इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।